तो दोस्तों आज हम बात करेंगे डिविस लेबोरेटरीज के स्टॉक के बारे में। डिविस लैब के स्टॉक में नेक्स्ट ट्रेडिंग वीक के लिए क्या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखने को मिल सकते हैं, उसके बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे हम। अगर यहाँ पर स्टॉक की बात करें तो हम देखेंगे जो ये स्टॉक है ये हमको अप्रैल से ही यहाँ पर पहले के लिए अपडेट में देखने को मिल रहा था। हमको यहाँ पर स्टॉक में हाइयर हाई हाइयर लो वाला पैटर्न यहाँ पर देखने को मिल रहा था, लेकिन फिर स्टॉक ने यहाँ पर रजिस्टेंस लिया जिसके बाद हमको यहाँ पर स्टॉक में लगातार गिरावट देखने को मिली। हालाँकि आज हमको यहाँ पर स्टॉक में 0.16% की यहाँ पर तेज़ी देखने को मिली है। तो यहाँ से अभी हम स्टॉक में बात करें, अगर यहाँ से अभी स्टॉक में और तेज़ी आती है तो यहाँ से और तेज़ी की कंडीशन में हमारे पास यहाँ पर स्टॉक में 3.47 का पहला यहाँ पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। अगर स्टॉक ने यहाँ पर इसको ब्रेक किया देन यहाँ से अभी हमको स्टॉक में 3531, इसके बाद हमको यहाँ पर स्टॉक में 3630, और अगर स्टॉक यहाँ पर इसको ब्रेक करेगा देन यहाँ से हमको स्टॉक में अगेन 3751, और उसके बाद हमको यहाँ पर स्टॉक में 3839, एंड देन यहाँ से भी हमको स्टॉक में 3932 तक के लेवल्स भी यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं एज अ नेक्स्ट यहाँ पर रजिस्टेंस। भाई यहाँ से अगर स्टॉक में गिरावट आती है तो यहाँ से भी गिरावट की कंडीशन में हमारे पास यहाँ पर स्टॉक में 3388 का पहला यहाँ पर सपोर्ट देखने को मिलेगा। अगर स्टॉक यहाँ पर इसको ब्रेक करता है देन यहाँ से हमको स्टॉक में 3340, एंड देन यहाँ से अभी हमको स्टॉक में अगेन 3292 तक के लेवल्स यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे एज अ नेक्स्ट यहाँ पर सपोर्ट। तो ये स्टॉक में कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, आप इन पर ध्यान दे सकते हैं। बाकी वीडियो में कोई बाय सेल होल्डिंग सलाह नहीं है, वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। धन्यवाद।